हाय, आई एम नीलू एंड आई एम अ साइकेट्रिक काउंसलर। आज हम बात करेंगे अकेलापन कैसे दूर करें। हर किसी को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी अकेलापन का सामना करना पड़ता है। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जब हम खुद को बहुत अकेला फील करते हैं। में चल रहे निगेटिव थॉट्स को हम किसी को बता नहीं पाते और ऐसे में हमें अकेलेपन का एहसास घेरने लगता है। अकेलापन किसी भी एज के लोगों को हो सकता है। इससे निकलना बहुत मुश्किल है। इससे निकलने के लिए खुद को पॉजिटिव और मोटिवेट करने की जरूरत है। सबसे पहले आपको अपने मन को कंट्रोल करना सीखना होगा। हमारा मन हमारी इच्छाओं पर चलता है। हमें चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें अपने मन को कंट्रोल करना होगा और खुद को ये समझाना होगा कि ये आपके भले के लिए था। कई बार हम जो पाना चाहते हैं वो पा नहीं पाते। बार बार कोशिश के बावजूद भी हार जाते हैं। ऐसे में मन में नकारात्मक सोच आती है जो हमें अकेलापन फील कराती है। बहुत से व्यक्ति अकेलेपन को दूर करने के लिए नशीली दवाओं, ड्रग्स, शराब पीना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये अकेलेपन को दूर करने का अच्छा तरीका नहीं है। इससे आपका मन और ज्यादा कमजोर हो जाएगा और आपके शरीर को भी नुकसान पहुंचेगा। अकेलेपन को हम संगीत सुनकर कुछ हद तक कम कर सकते हैं। संगीत हमारे नेगेटिव थॉट्स को कम करता है। कई बार लोग अपने करियर के सामने अपने परिवार तक को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जीवन के एक पड़ाव पर आकर वे अकेले हो जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में अपने परिवार की मदद लें, आपस के मतभेद को दूर करें और अपने दोस्तों से मिलें, उनसे बातें करें। जब आप अपने दिल की बात उनको बताते हैं और उनके दिल की बातें सुनते हैं तो आपको फील होता है कि कोई आपको सुनने वाला है। कई बार इंसान से ज्यादा एक जानवर आपका सच्चा साथी बन जाता है। इसलिए जब आप अकेला फील करें तो कोई भी जानवर पाल ले और ज्यादा से ज्यादा टाइम उनके साथ गुजारे। आप बहुत अच्छा फील करेंगे। यकीन नहीं आता तो आजमा के देख लीजिए। अपने अंदर छुपे दबे हुए शौक को बाहर निकालें। शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, पर धीरे धीरे आपको मजा आने लगेगा और आप खुद को अकेला फील नहीं करेंगे। जब आप अकेले होते हैं तो आपके दिमाग में बुरे ख्याल आने लगते हैं। आप अपनी डेली लाइफ में कोई ऐसे काम से जुड़ते हैं जिसमें आपकी रुचि होती है, तब आपको अकेलापन फील नहीं होता। अकेलापन फील करने पर कोई मजेदार फिल्म देखें, चुटकुले पढ़ें, प्राकृतिक वातावरण में कुछ टाइम बिताने से मन को सुकून मिलता है। सुबह और शाम को टहलने से शरीर और मन दोनों ही हेल्दी रहते हैं। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है जो आपके डिप्रेशन को कम करता है। अकेलेपन की भावना आने पर कोशिश करें खुद पर ध्यान देने की, अपनी क्वालिटी को पहचानने की, योगा करें, बुक्स पढ़ें, नई जगह घूमने जाएं। आप अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक्सपर्ट की भी हेल्प ले सकते हैं। वो आपके प्रॉब्लम समझेंगे और आपको इससे बहुत हद तक बेनिफिट होगा। उनका ख्याल रखें, जो आपका मन करे वो करें, जैसे न्यू ड्रेस खरीदना, अपना लुक चेंज करना, पार्लर जाना। इन सब चीजों को करने से बहुत हद तक आपका मूड फ्रेश रहता है। अगर आपको ज्यादा बेचैनी हो रही है तो कुछ टाइम के लिए आप बाहर घूमने चले जाएं। ऐसा करने से आपका मन हल्का होता है। आप न्यू एक्सपीरियंस, न्यू कल्चर और नए विचारों को साथ में लेकर आते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप उन पर ध्यान दें और थोड़ी सी मेहनत अपने आप पर करें तो आप कभी भी अकेलापन फील नहीं करेंगे। चाहे आप किसी भी एज में हो, चाहे आप टीनेजर हो, यंग हो या फिर ओल्ड एज के हो, लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा मोड आता है जिसमें इंसान अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। तो अगर आप इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने आप पर ध्यान देंगे कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको अपने आप को बिजी रखना है, जिसमें आपको खुशी मिलती है, छोटी छोटी चीजें वो करनी है, लोगों से मिलना है। जितना आप बंद होकर रहेंगे घर के अंदर, हर चीजों से कट कर रहेंगे, उतनी ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगी और आप उतना अकेलापन फील करेंगे और इस अकेलेपन के कारण आप धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ चले जाएंगे। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला हो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, थैंक यू।